नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम जिस विषय को लेकर प्रस्तुत हुए हैं उस विषय का नाम है नशे के चक्रव्यूह में रिया चक्रवर्ती। नशा एक बर्बादी का, नशा नाश का, नशा समाज के विघटन का, नशा जघन्य अपराध का प्रमुख कारण है। और जब नशा जघन्य अपराध से जुड़ जाता है तो उसमें आ जाता है राहु। राहु राहु एक ऐसा ग्रह है जो समस्त विषैले पदार्थों का कारक है। राहु क्रूरता की भी सीमा को पार कर जाता है। राहु नशा एक ऐसा नशा है जो एक मदहोशी बेहोशी का आलम प्रकट करता है और उस बेहोशी के आलम में जातक और जातिका को अच्छे और बुरे की, सही और गलत की पहचान भी नहीं रहती। और वो नशा देता है राहु। विगत वर्ष में आकाश के गोचर की स्थिति जो चल रही थी वो बड़ी विचित्र थी। गोचर में राहु मिथुन राशि में चल रहा था और केतु धनु राशि में चल रहा था, और उससे जो योग बन रहा था वो योग बड़ा ही विचित्र योग था। वो योग था मंथन का योग, और मंथन से हमेशा कोई नई चीज़ प्रकट होती है। पौराणिक काल में मंथन हुआ तो सर्वप्रथम जो निकला वो था विष। विष ही जहर है और जहर ही नशा है। 14 जून 2020 को भारत में एक हृदय विदारक घटना घटी। फिल्म जगत के एक युवा सुशांत सिंह राजपूत, जिसके जीवन का एक ऐसा दौर आया कि वो दुनिया को छोड़ के चला गया। सामान्य तौर पर लोगों ने इसे आत्महत्या समझा, लेकिन जब राहु का मंथन हुआ तो उसमें से कुछ और ही निकल करके आया, और जो निकला वो बहुत ही आश्चर्यजनक, जिससे ऐसा रहस्य उद्घाटन हुआ कि भारतीय फिल्म जगत की कमर टूट गई। कहते हैं फिल्म समाज का आईना होती है। समाज में होने वाली घटनाओं को चलचित्र परिदृश्य के रूप में दिखाया जाता है। ऐतिहासिक घटनाओं को चलचित्र के माध्यम से दिखाया जाता है, और समाज उन अभिनेता और अभिनेतियों को, समाज के युवा खासकर युवा वर्ग उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। किस प्रकार बाल रखे जाएं, किस प्रकार कपड़े पहने जाएं, वो युवा अभिनेता किस प्रकार से अपना रहन सहन रखता है, इस सब का अनुकरण करते हैं आजकल के युवा। इसीलिए बोला जाता है फिल्में समाज का होती हैं आईना। फिल्म जगत का कारक है शुक्र। शुक्र कारक है कला का, शुक्र कारक है स्त्री का, शुक्र कारक है सौंदर्य का, शुक्र कारक है धन का, शुक्र कारक है भोग का। विगत माह 1 सितंबर को जब शुक्र कर्क राशि में आया और सूर्य पहले से ही सिंह राशि में था, राहु मिथुन राशि में था, तो फिल्म जगत का कारक जो ग्रह है वह शुक्र, वो सूर्य और राहु के मध्य में पाप कर्तरी दोष में फंस गया, जिसके कारण फिल्म जगत में अपराध की प्रवृत्ति के लोग, जो नशा करने वाले लोग हैं, जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं या जिनके ऊपर जघन्य अपराध के आरोप हैं, ऐसे लोग उनके ऊपर से पर्दा हटा
और उसमें जिन जिन लोगों की भूमिका थी वो लोग थे शुक्र के प्रधान राशि वाले लोग। शुक्र कर्क राशि में पाप कर्तृदोष में फंसा, शुक्र वृष राशि और तुला राशि का स्वामी है। रिया चक्रवर्ती की राशि तुला है और तुला का स्वामी है शुक्र। और जैसे शुक्र पाप कर्तृदोष में फंसा, इसमें रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया। उनके कुछ वीडियो सामने आए जिसमें उन्होंने नशा करा है और नशा करवाया है। नशा करना और नशा करवाना दोनों राहु के ही अधीन आता है। और जब किसी जातक की कुंडली में राहु लग्न पर सप्तम पर अष्टम पर द्वितीय स्थान पर विराजता है तो जातक नशा करता है या नशा कराने वाला होता है। द्वितीय भाव वाणी का है, द्वितीय भाव मुख का है। जितने भी नशे हैं सब मुख के द्वारा लिए जाते हैं, चाहे वो तंबाकू का नशा हो, चाहे सिगरेट का नशा हो, चाहे शराब का नशा हो या अन्य कोई प्रकार का नशा हो। मुख यानी द्वितीय भाव किन किन कारक किन किन भावों का कारक है? धन का कारक है, वाणी का कारक है और आपकी जीवन में या कुंडली में मारक भाव भी द्वितीय ही है। यानी कि द्वितीय भाव मुख में अगर आपने राहु को रखा, राहु क्या है? राहु को ज्योतिष में सर्प के मुंह की संज्ञा दी गई है। और जितने भी नशे हैं, शराब का नशा, सिगरेट का नशा, तंबाकू का नशा, ये सब राहु के अधीन आते हैं। तो द्वितीय भाव मुख का है। अगर आप मुख में राहु को रखोगे तो उसके परिणाम रोग के रूप में होंगे जो आपके लिए मृत्यु तुल्य होंगे, चाहे वो मुख का कैंसर हो या अन्य कोई रोग हो। जैसे आपने नशे को मुख में रखा तो द्वितीय भाव से होने वाले समस्त लाभ आपके नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो धन का लाभ हो या जीवन का लाभ हो। जैसे ही आपने नशा या तंबाकू मुंह में रखी तो वाणी दोष प्रकट होगा। वाणी के द्वारा ही आपके जीवन में सामाजिक रिश्ते बनते हैं और वाणी के द्वारा ही सामाजिक रिश्ते टूटते हैं। या अष्टम स्थान पर जो आयु का भाव है वहाँ पर पाप ग्रह हो, या पंचम स्थान में शनि राहु की युति हो, या किसी का अमावस का जन्म हो और उसके ऊपर चंद्रमा पापाक्रांत हो, ये सब लक्षण ज्योतिष के अनुसार उन जातकों के हैं जो नशा करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं बस कि आजकल के युवा नशे से बचें और अपने जीवन को बचाएं। धन्यवाद।